types of digital payment we are going to start. Many of you must have known that Modi government initiated Digital India movement, okay, whereby all the transactions to be done digitally. So digital payments play a very, very important role in making a modern India, and moreover in solving the problem of black money. What is black money? Black money क्या होती है? Just unaccounted money. It's not necessarily the one which is earned through smuggling or illegal ways. It might have been earned through legal ways, but the income has not been shown to the government. Tax has not been paid on it. So it is an unaccounted money, which gives rise to black money. Now, black money gives rise to a parallel economy. That is a very serious problem for any economy, parallel economy. क्योंकि जो अनअकाउंटेड मनी है, मैंने पहले ही बता दिया, जरूरी नहीं है कि इलीगल मीन से अर्न करी हुई इनकम ही ब्लैक मनी होती है. लेट अस से किसी का एक कोचिंग सेंटर है, ही इज अर्निंग लाख्स इन मंथ्स, बट वो गवर्नमेंट को डिस्क्लोज नहीं कर रहा कि मैं इतने लाख रुपीज अर्न कर रहा हूँ, एंड ही इज नॉट पेइंग टैक्स ऑन इट. तो उसकी जो इनकम है वो ब्लैक मनी हो गई, ठीक है, अनअकाउंटेड फॉर. नाउ सच टाइप ऑफ ब्लैक मनी गिव्स राइज टू अ पैरेलल इकोनॉमी. आपने देखा होगा लोग अपने बच्चों की शादियों पे या घरों पे या ऐसी चीजों पे बहुत ज्यादा स्पेंड करते हैं. वो इसीलिए स्पेंड करते हैं क्योंकि वो जो ब्लैक मनी पड़ी हुई है उसको कहीं लीगली उन्होंने शो नहीं करना है, तो उसको स्पेंड ही करना है उन्होंने, ठीक है. उसको कहीं इन्वेस्ट नहीं कर सकते. इन्वेस्ट भी हो जाती है इंडिया में. आप जब भी कोई प्रॉपर्टी लेते हो तो एक सुना होगा अगर पेरेंट्स को कहते हुए कि ये इतना वाइट का चाहिए, इतना ब्लैक का चाहिए, है ना, तो वो वाइट वाला तो गवर्नमेंट के खाते में जा रहा है, शो हो रहा है, उसके ऊपर गवर्नमेंट को रजिस्ट्रेशन फीस देते हैं उसके ऊपर, लेकिन रेस्ट ऑफ द अमाउंट जो होती है दैट इज अनअकाउंटेड फॉर. सो इट गिव्स राइज टू अ पैरेलल इकोनॉमी. बट वेन दी डिजिटल सब कुछ डिजिटलाइज हो जाएगा, एवरी पेमेंट विल बी मेड थ्रू डिजिटल मीन्स, तो वो गवर्नमेंट के सामने आ जाएगी कि ये पर्सन इतना खर्च रहा है, इसके पास इतनी इनकम है, ठीक है. सो वॉट आर दी वेज ऑफ मेकिंग डिजिटल पेमेंट्स? हम डिजिटल पेमेंट्स कैसे कर सकते हैं? देर आर डिफरेंट वेज ऑफ मेकिंग डिजिटल पेमेंट. फर्स्ट वन, बैंकिंग कार्ड्स. बैंकिंग कार्ड्स, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, सुना होगा आपने. व्हाट इज अ डेबिट कार्ड? डेबिट कार्ड इज इशूड टू द पर्सन, टू द अकाउंट होल्डर ऑफ द बैंक ऑन द बेसिस ऑफ डिपॉजिट्स हेल्ड बाय हिम इन द बैंक. आई कैन गेट डेबिट कार्ड ओनली इफ आई एम हैविंग एन अकाउंट इन माय बैंक, एंड I can withdraw only that much amount from my using my debit card, as much amount as I am having in my account. Say I am having 1 lakh rupees in my account, I cannot withdraw more than 1 lakh using my debit card, right? So debit card से आप ATM से withdraw भी करवा सकते हैं अपने account में से पैसे. डेबिट कार्ड एक प्लास्टिक कार्ड होता है जो कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इशू करती है, उसके ऊपर उसका नाम बैंक इशू करते हैं, बैंक का नाम, ठीक है, अकाउंट होल्डर का नाम और एक उसका एटीएम का नंबर होता है, दैट इज डिस्प्लेड एंड यू हैव टू पुट योर सिग्नेचर ऑन इट एंड वन पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर इज इशूड बाय द बैंक to the account holder, which he has to make use of to carry on every transaction with that debit card. अगर मुझे, मेरे पास debit card है, मुझे पैसे withdraw कराने हैं, मैं ATM में गई, ATM के slot में मैंने card डाला, वो सबसे पहले मेरे को क्या पूछेगा? आप पहले पूछेंगे आपको transactions कौन सी करनी है, तो अगर मुझे withdraw करना है, मैं withdraw पे click कर दूंगी,
उसके बाद इट विल आस्क फॉर ए पिन. सो आई हैव टू फीड द पिन. पिन फर्स्ट टाइम पे बैंक इशू करता है, उसके बाद आप जाके उसको चेंज करवा लीजिए जो आपको पिन रखना है. अगर आपको लगता है कि बैंक ने जो पिन दिया ये ना हो बैंक के किसी इम्प्लॉई को पता है, वैसे तो ये आता है एक एनवेलप में आता है और बिल्कुल सील करके आता है, स्क्रैच कार्ड होता है, उसको स्क्रैच करते हैं उसके नीचे से पिन निकलता है. बट फिर भी आपको एक इजी नंबर जो आप मेमोराइज या रिलेट कर सको, बर्थ डेट का रखना है, कोई भी रखना है, तो आप अपना पिन चेंज कर सकते हैं यूजिंग एटीएम ओनली. एटीएम में काफी सारे सर्विसेज होते हैं, आप उसमें आप पिन चेंज कर सकते हैं, आप उसमें मनी विदड्रॉ करा सकते हैं, एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में रिमिट कर सकते हैं, इवन मनी डिपॉजिट भी करा सकते हैं, या अपने अकाउंट स्टेटमेंट का बैलेंस भी देख सकते हैं. सो बट वी वर टॉकिंग अबाउट डेबिट कार्ड. तो डेबिट कार्ड बता दिया, एक प्लास्टिक कार्ड है, यू मस्ट हैव सीन. डू आई नीड टू शो इट टू यू? सबने देखा हुआ है? और एनीवन वांट्स टू सी? आई कैन शो यू इफ यू वांट. सो इफ यू हैव सीन इट, इट्स ओके. सबने ही देखा होता है. तो आप पिन भरिए अपना और आपका जो भी विदड्रॉ कराना है तो मनी आ जाएगी. दैट्स इट. सेकेंड फंक्शन यू कैन डू विद योर एटीएम इज पॉइंट ऑफ सेल परचेज. अगर आपको कहीं पे शॉपिंग करने गए, आपने कैश नहीं उठाया हुआ लेकिन आपके पास कार्ड है, तो हर शॉप होल्डर नॉर्मली हर एक के पास एक स्लॉट, एक मशीन होती है. वेट आई विल टेल यू. ये डेबिट कार्ड है. अगर आप पॉइंट ऑफ सेल परचेज करना चाहते हैं, किसी भी शॉप पे गए, आप उनके पास एक छोटी सी मशीन होती है, आपने कार्ड स्वाइप किया, अपना पिन फिल किया, आपके अकाउंट में से इमीडिएटली पैसे डेबिट हो जाएंगे और सेलर के अकाउंट में इमीडिएटली क्रेडिट हो जाएंगे. सो दिस इज वन वे ऑफ डिजिटल पेमेंट. अनदर इज बेटे क्रेडिट कार्ड. एनीवन ऑफ यू नो द डिफरेंस बिटवीन डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड? ओके. सो क्रेडिट कार्ड इज जस्ट लाइक ए डेबिट कार्ड. द ओनली डिफरेंस इज फॉर इशूइंग डेबिट कार्ड, अगर आपने बैंक से डेबिट कार्ड इशू करवाना है, आपके अकाउंट में पैसे होने चाहिए, आपका अकाउंट होना चाहिए, आपके अकाउंट में पैसे होने चाहिए. और यूजिंग डेबिट कार्ड आप सिर्फ उतनी अमाउंट विदड्रॉ कर सकते हो जितनी आपके अकाउंट में है. वेयर एज क्रेडिट कार्ड कैन बी इशू टू द पर्सन एंड ही कैन विदड्रॉ उसका अगर बैलेंस जितना मर्जी हो. हाँ, बैंक हर एक कस्टमर को नहीं दे देता, अगेन इट डिपेंड्स अपॉन द क्रेडिट वर्दीनेस ऑफ द कंज्यूमर. आजकल वैसे बैंक हर पर्सन को क्रेडिट कार्ड देने को तैयार है. क्रेडिट कार्ड का मतलब है, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल. आई एम हैविंग ओनली 40,000 इन माई अकाउंट. आई एम इन नीड ऑफ मनी. आई वॉन्ट टू विदड्रॉ 1 lakh. या मैंने शॉपिंग कर ली 1 lakh की और मेरे पास क्रेडिट कार्ड है और मेरे को लिमिट मिली हुई है 1 lakh तक की. लिमिट का मतलब यही है कि अगर आपके अकाउंट में पैसे नहीं भी हैं, 1 lakh की लिमिट का मतलब आप अपने अकाउंट में 0 balance होने के बावजूद भी अपने अकाउंट में से अपने क्रेडिट कार्ड को यूज करके 1 lakh तक की विदड्रॉल कर सकते हो या शॉपिंग कर सकते हो. ठीक है. सो यू हैव नो 0 balance इन योर अकाउंट. यू कैन विदड्रॉ कैश और यू कैन मेक परचेजेस अप टू दी लिमिट स्पेसिफाइड, अप टू दी प्रिस्क्राइब्ड लिमिट जो बैंक ने आपको लिमिट दी हुई है. कितनी लिमिट है वो डिपेंड करता है कस्टमर टू कस्टमर. ठीक है. लाइक अ फ्यू डेज बैक आई गॉट अ कॉल फ्रॉम SBI कि आप क्रेडिट कार्ड ले लो, आपको 1.5 lakh तक की लिमिट दे देंगे. ठीक है. 1.5 lakh की लिमिट का मतलब मैं 1.5 lakh तक विदड्रॉ करा सकती हूँ मेरे अकाउंट में पैसे नहीं भी हैं. तो किसी और पर्सन को फोन आया, उन्होंने कहा 50,000 की लिमिट दे देंगे. सो दैट डिपेंड्स मेरे अकाउंट में पैसे, उनको उन्होंने देख लिए कि ये जो पर्सन है इसके अकाउंट में कितने पैसे रहते हैं थ्रू आउट और ये कितनी को उसमें से विदड्रॉ करता है. यानी कल को अगर ये कस्टमर हमारा क्रेडिट कार्ड यूज करके 1 lakh rupees निकलवा भी लेता है तो इसके अकाउंट में मिनिमम बैलेंस इतना रहता ही है कि हम इससे 1 lakh rupees रिकवर कर सकते हैं. ठीक है. सो
डिपेंड्स अपॉन कस्टमर टू कस्टमर. सो मत यूजेज क्या है ये समझो. 1 लाख रुपए की विदड्रॉल कर ली मैंने, मेरे अकाउंट में जीरो बैलेंस है, मेरी लिमिट है 1 लाख, मैंने 1 लाख की विदड्रॉल कर ली. 40 डेज तक मैं इस 1 लाख को यूज कर सकती हूँ. 30 to 40 days हर बैंक का सर्कल होता है, वैसे नॉर्मली 40 डेज का सर्कल होता है. ठीक है, अगर मैंने 40 डेज तक ये बैंक में वापस अपने अकाउंट में ये पैसे वापस नहीं डाले, ठीक है, तो क्या होगा? तो बैंक विल स्टार्ट चार्जिंग इंटरेस्ट फ्रॉम मी, बट फॉर 40 डेज इट इज इंटरेस्ट फ्री. राइट, मैंने 1 लाख की शॉपिंग कर ली, सेल लगी हुई थी, घर में शादी थी, लेकिन मेरे अकाउंट में पैसे नहीं है, पर मेरे पास क्रेडिट कार्ड है, तो मैंने, मुझे पता है अगले महीने मेरे को सैलरी मेरी आ जानी है, पैसे डल जाएंगे, देन आई कैन मेक पेमेंट. तो मैंने 40 डेज तक का वो क्रेडिट यूज कर लिया, 1 लाख की मैंने शॉपिंग कर ली मेकिंग यूज ऑफ क्रेडिट कार्ड. आफ्टर दैट आई हैव टू डिपॉजिट दिस अमाउंट विद इन 40 डेज. अगर 40 डेज में मैं नहीं कर पाती बेटे, तो बैंक विल चार्ज हैवी इंटरेस्ट, काफी ज्यादा इंटरेस्ट चार्ज करना शुरू कर देता है बैंक. ठीक है, तो कई बार अब आप ये भी बोलोगे, मैम अगर आप पैसे हैं आप भूल गए जमा कराने, तो नॉर्मली क्या करते हैं हम, आजकल सारे एप्स होते हैं बेटे, मैंने क्रेडिट कार्ड लिया हुआ है, मेरे पास एक SBI का ऐप है, तो उसमें मैंने सेटिंग कर दी कि मेरी ऑटो डेबिट फैसिलिटी लगा दो, यानी 40 डेज के बाद मैंने जितनी भी परचेजिंग की हुई है मेरे अकाउंट में से पैसे उतने ऑटोमेटिकली डेबिट हो जाएंगे, और वो जो मैंने जितने की क्रेडिट कार्ड की ट्रांजेक्शन की है दैट विल बी क्लियर. ठीक है, सो क्रेडिट कार्ड का कंसेप्ट एक्चुअली इंडिया में डेबिट कार्ड से पहले आया था. ठीक है, क्रेडिट कार्ड का कंसेप्ट केम बिफोर द डेबिट कार्ड. डेबिट कार्ड्स वर इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया आफ्टरवर्ड्स. नाउ अर्लियर पीपल वुड हेजिटेट मेकिंग यूज ऑफ क्रेडिट कार्ड, क्योंकि बैंक्स क्या करते थे, चार्जेस बहुत लगा देते थे. इवन इफ यू आर नॉट यूजिंग क्रेडिट कार्ड, बैंक आपके ऊपर चार्जेस लगा देता था जस्ट फॉर कैरिंग द क्रेडिट कार्ड. ठीक है, लेकिन आजकल क्योंकि काफी ज्यादा डिजिटलाइज्ड हो गया है और लोगों को थोड़ा इजियर हो गया है मेकिंग यूज ऑफ क्रेडिट कार्ड, और 40 डेज का आपको क्रेडिट भी मिल जाता है, व्हाट डू पीपल डू, दे गेट अ क्रेडिट कार्ड इशूड डिस्पाइट हैविंग लैक्स ऑफ रुपीज इन देयर ओन अकाउंट्स, दे मेक यूज ऑफ क्रेडिट कार्ड फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल. आप बता सकते हैं क्यों करते होंगे वो क्रेडिट कार्ड का यूज? है, चलो क्रेडिट स्कोर बढ़ जाता है, वेरी गुड पॉइंट. क्रेडिट स्कोर हमें क्यों चाहिए पता है? लोन लेने, बिल्कुल, वेरी गुड. और बेटे 40 डेज की मेरे को, मेरे अगर मैं डेबिट कार्ड यूज करके अपना इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करती हूँ, 15,000 का मेरे घर का बिल आया है, मेरे अकाउंट में से 15,000 डेबिट हो गए, मेरे अकाउंट में लाख थे, 85,000 रह गए, 85,000 के ऊपर मुझे इंटरेस्ट मिलेगा. ऑन दी अदर हैंड मैंने ये ट्रांजेक्शन कर दी क्रेडिट कार्ड से, मेरे अकाउंट में 1 लाख ही रहा, 1 लाख रहा, 1 लाख के ऊपर मैंने 40 डेज तक इंटरेस्ट अर्न किया. 40 डेज के बाद, क्योंकि मैंने ऑटो डेबिट फैसिलिटी की हुई है, 40 डेज के बाद ऑटोमेटिकली मेरे अकाउंट में से 15,000 डेबिट हो जाएंगे. मतलब 40 डेज तक मैंने इंटरेस्ट अर्न किया 15,000 का, मेरी पेमेंट डिले हो गई. ठीक है, और मेरा कुछ गया ही नहीं, मैंने इंटरेस्ट तो पे ही नहीं किया, क्योंकि 40 डेज तक ये पेमेंट इंटरेस्ट फ्री है. सो दोज हु आर वेरी वेरी मनी माइंडेड पीपल और दोज हु बिजनेसमैन हु मेक यू नो लार्ज ट्रांजेक्शंस, तो दे वॉन्ट 40 डेज का इंटरेस्ट भी उनको काफी कुछ दे जाता है. एंड मोर ओवर जो क्रेडिट लिमिट है ना, वो यूजेज से बढ़ती है. मैंने जब क्रेडिट कार्ड लिया था तो मेरी लिमिट थी 1,20,000, अब मेरी हो गई है 2 लाख, यूजेज से बढ़ती है. दूसरा क्रेडिट स्कोर, इसने कहा बढ़ते हैं, मैनी ऑफ यू माइट नॉट बी नोइंग व्हाट इज क्रेडिट स्कोर, बट राइट नाउ आई वोंट बी डिस्कसिंग इट, विल डिस्कस इट सम अदर टाइम.
क्योंकि हमारा फिर ये कंप्लीट नहीं हो पाएगा, ठीक है? ऑल राइट, एंड बट रियली अप्रिशिएबल जब बच्चों को एक्स्ट्रा नॉलेज होती है, रियली अप्रिशिएट दैट. सो बैंकिंग कार्ड, डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड, कॉन्सेप्ट इज क्लियर. नेक्स्ट है बेटे अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा. हैव यू हर्ड ऑफ दिस USSD? सुना है कभी? ओके. सो जब हमने कहा भी हमें डिजिटल इंडिया करना है, अब क्या जितना मर्जी लो, इंडिया में बेटे 21% पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन है. तो वो बेचारे ना तो उनके पास डेबिट कार्ड है ना क्रेडिट कार्ड है, उनके तो अकाउंट ही नहीं है. मोदी ने आके कहीं जनधन योजना में उनके अकाउंट खुलवाए, ठीक है? तो हाउ कैन दे बी इंक्लूडेड? ये एक सेक्शन है जो कि इंक्लूडेड नहीं है उन जनता में जो कि डिजिटल पेमेंट्स करते हैं, क्योंकि ना तो उनके पास स्मार्टफोन है. स्मार्टफोन से तो ऐप आपने डाउनलोड किया, थ्रू ऐप आपने डिजिटली पेमेंट कर दी, ठीक है? लेकिन ये जो यू नो एक्सक्लूडेड सेक्शन है सोसाइटी का, ये किस तरह से डिजिटल पेमेंट करेंगे? तो उन लोगों को इंक्लूड करने के लिए ये फंक्शन स्टार्ट किया गया, USSD, अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा. एनी पर्सन हैविंग अ सिंपल फोन, ही विल डायल *99##, ठीक है? ये आप डायल करोगे, आई विल जस्ट शो यू. आप इस नंबर को जब डायल करोगे बेटे, तो उसके बाद आपको एक मैसेज आएगा. मैसेज ये आएगा कि आप कौन सी बैंकिंग सर्विस अवेल करना चाहते हैं. आई विल जस्ट शो यू मेकिंग यूज ऑफ माय मोबाइल फोन बाय मेकिंग यूज ऑफ दिस सर्विस दैट इज USSD एंड बाय प्रेसिंग *99#. यू कैन अवेल डिफरेंट सर्विसेज ऑफ द बैंक लाइक मेकिंग पेमेंट्स, requesting payments, knowing about your UPI pin and many or checking your balance. ठीक है? So what is the main purpose of this? To create an environment of inclusion. To create an environment of inclusion among the undeserved section of the society. जो हमारे ऐसे सेक्शंस है सोसाइटी के जिनके पास मोबाइल फोन नहीं है, पुअर हैं, ठीक है, जो कि इंटरनेट फैसिलिटी अवेल नहीं कर सकते हैं, उनमें एक पूरी सोसाइटी में एक इंक्लूजन का एनवायरनमेंट क्रिएट करना, कि उनको ये ना लगे कि ये डिजिटल पेमेंट्स वाला जो कल्चर है वो हम लोगों के लिए नहीं है. एंड टू इंटीग्रेट देम इनटू मेन स्ट्रीम बैंकिंग. हमें उनको इंटीग्रेट करना है मेन स्ट्रीम बैंकिंग में. बैंकिंग हैज चेंज्ड अ लॉट. बैंकिंग इज नॉट अबाउट गोइंग टू बैंक एंड गेटिंग योर ट्रांजैक्शंस डन, गेटिंग योर वर्क डन. बैंकिंग इज मोर अबाउट सिटिंग एट होम एंड गेटिंग योर ट्रांजैक्शंस डन, ठीक है? तो जो ये जो मेन स्ट्रीम बैंकिंग है, इसमें इन लोगों को इंक्लूड करना है. ये गवर्नमेंट का पर्पस है, ठीक है? तो आप कहते रहो लोगों को भी डिजिटल इंडिया, डिजिटल इंडिया, और आधी जनता के पास इंटरनेट नहीं है, मोबाइल फोन नहीं है, तो आप उनको कैसे इंक्लूड करोगे? दिस इज वन वे, USSD सर्विस, ठीक है? सो क्या क्या हो सकता है, मैंने बता ही दिया. फंड ट्रांसफर हो सकता है, और अपनी बैंक स्टेटमेंट्स हम देख सकते हैं, या कोई और बैंकिंग इंक्वायरीज आपकी है, that you can do making use of this. Is it clear? ठीक है, चले आगे. Next है बेटे हमारा Unified Payment Interface, UPI. Does anyone of you know what is UPI? Aadhaar enabled is different from this. अच्छा चलो करवा देती हूँ. ओके, बिफोर दैट इज आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम. बेटे ये भी
हर तरह की बैंकिंग ट्रांजेक्शन करने के लिए यूज हो सकता है. ट्रांजेक्शंस लाइक बैलेंस इंक्वायरी, कैश विदड्रॉल, फंड ट्रांसफर फ्रॉम वन अकाउंट टू अनदर. ठीक है, सो आधार टू आधार फंड ट्रांसफर होता है इसमें एक्चुअली. सो एनी पर्सन हु इज हैविंग आधार कार्ड एंड ही हैज गॉट दिस आधार नंबर रजिस्टर्ड विद हिज बैंक अकाउंट, ही कैन अवेल दिस फैसिलिटी. इसको कहते हैं आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम, AEPS. तो अगर आपका आधार कार्ड बैंकिंग अकाउंट से रजिस्टर्ड है तो यहाँ पे आप सारी ट्रांजेक्शंस कर सकते हो. यहाँ पर एक बैंक रिप्रेजेंटेटिव होता है जो आपकी ट्रांजेक्शन को रूट करता है, बट यू डोंट नीड टू गो टू बैंक अगेन. ठीक है, आप आधार इनेबल्ड पेमेंट घर बैठे ही कर सकते हो. ठीक, वहां पे लेकिन इसमें क्या होता है, ये कंप्यूटराइज्ड है. आपने जो कॉल की वो कंप्यूटर पे गई, कंप्यूटर ने मैसेज भेजा. अब मैंने कंप्यूटर को नंबर टू कर दिया रिक्वेस्ट मनी, तो आगे मेरे से वो जितने भी फर्दर क्वेश्चनिंग करेगा कंप्यूटर के सिस्टम के थ्रू होगा. यहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव होता है जो कि आपकी सारी ट्रांजेक्शंस रूट करता है. ठीक है, बट अगेन यू डोंट नीड टू गो टू बैंक. सिटिंग एट होम यू, ये सारी डिजिटल पेमेंट्स हैं, विच मीन्स दे आर वेरी वेरी कन्वीनियंट. यू डोंट नीड टू गो टू बैंक. डिजिटली कर रहे हो आप घर बैठे कर रहे हो, आप डिजिटल इस्तेमाल करके कर रहे हो, डिजिट टूल का इस्तेमाल करके कर रहे हो, सिटिंग एट योर वर्क ऑफिस और होम. ठीक है, सो दीज आर आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम. नेक्स्ट है बेटे यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, UPI. सो आई वॉज आस्किंग एनी वन, सुना है किसी ने UPI? सुना तो होता है. जीपे का इस्तेमाल उस दिन मैंने पूछा था, गूगल पे, पेटीएम आप यूज करते हैं, वो UPI एप्स हैं बेटे. यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस. सो इस सिस्टम में क्या होता है, एनी कस्टमर होल्डिंग एनी बैंक अकाउंट कैन रिसीव मनी, कैन सेंड मनी थ्रू UPI बेस्ड एप्स. डिफरेंट एप्स होते हैं, जैसे कि गूगल पे है, जैसे कि पेटीएम है. ठीक है, तो अगर आपने ये ऐप, आपका एक बैंक में अकाउंट है, आपने ये रजिस्टर, आपने ऐप डाउनलोड कर लिया, जब आप ऐप डाउनलोड करोगे आपसे वो दो तीन क्वेश्चंस पूछेगा कि आपका अकाउंट कौन से बैंक में है और आपका अकाउंट नंबर क्या है. सो एज सून एज योर अकाउंट नंबर हैज बीन फेड इन दिस ऐप, यू इमीडिएटली कैन ट्रांसफर फंड्स फ्रॉम वन अकाउंट टू अनदर अकाउंट यूजिंग दिस ऐप, और यू कैन मेक परचेजेस यूजिंग दीज एप्स. उसके लिए आपको एक UPI बनाना पड़ता है, UPI कोड बनाना पड़ता है, आइडेंटिटी, आपका कोड. जिस तरह से ATM के लिए पिन होता है वो 4 digits का होता है, और यहां पर ये जो आपका होता है ये 6 digits का होता है. ठीक है, सो जैसे ही आप ये ऐप ओपन अप करोगे वो आपसे आपकी UPI ID पूछेगा, आपने जो भी ID अपनी रखी हुई है, ये आपने ID रखी हुई है, आप जैसे ही फीड करोगे वो खुल जाएगा. नाउ इट विल आस्क यू व्हाट फंक्शन यू वांट टू डू. ठीक है, आपको इसको पैसे भेजने हैं, आप फेयरवेल आपने ऑर्गेनाइज किया तो आपने एक पर्सन की ड्यूटी लगा ली, सबसे इकट्ठे कर लो. इससे कहा मैंने कैश नहीं मैं संभाल सकता हूँ, तो हम एक अकाउंट खोल लेते हैं. आपने इसके नाम का एक अकाउंट खोल दिया, इसने गूगल पे डाउनलोड कर लिया. ठीक है, आप सबने डाउनलोड कर लिया गूगल पे, और अपने अकाउंट में से 1,000 रुपया इसके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया. सिंपल, जस्ट बाय अ क्लिक ऑफ बटन. जैसे ही आपने फीड किया, नेम फोन नंबर से अटैच होता है ये, जो आपके कॉन्टेक्ट्स होते हैं ना. अब इसके लिए आप बोलोगे अच्छा इसका पहले अकाउंट नंबर भरेंगे, आप इसका अकाउंट नंबर पूछोगे, नो, इसका जो अकाउंट है वो इसके फोन के साथ लिंक है. तो जब आपने सेंड करना है ना, आपने अपनी कॉन्टैक्ट लिस्ट खोलनी है. कॉन्टैक्ट लिस्ट में इसका नाम है, आपने इसका नाम क्लिक किया,
वो आपने फोन नंबर फीड किया, उसने ऐप ने ऑटोमेटिकली देख लेना है कि इस फोन नंबर के साथ कौन सा अकाउंट नंबर अटैच है। उसने पूछना आपने कितने पैसे भेजने, आपने पेमेंट कर दी 1000 की, डिजिट आएंगे 1000 कर दिया, सेंड का बटन प्रेस कर दिया, उसी टाइम गूगल पे में आपका ये क्लिक आ जाएगा। आप इसका फोन क्लिक बाद में आएगा, इसका फोन आपको पहले आ जाएगा, मेरे अकाउंट में 1000 रुपए आ गए तेरी तरफ से, ठीक है। इसको मैसेज आ जाएगा इमीडिएटली कि भी आपके अकाउंट में इतने पैसे ट्रांसफर हो गए। गूगल पे, पेटीएम, मेनी अदर सच एप्स आर देयर, फोन पे विच आर यूपीआई बेस्ड एप्स, बट वी हैव टू बी वेरी वेरी कॉशियस मेकिंग यूज ऑफ दीज एप्स। यू मस्ट बी अवेयर लॉट ऑफ साइबर क्राइम्स आर गोइंग ऑन, ठीक है। सो समटाइम्स दे हैक योर फोन, hackers, sometimes they do fraud with you, they ask you your pin, so never disclose your UPI ID, your pin to any other person, theek hai. So though government is making every efforts to make it more safer, but then hackers are there who can always take undue advantage of this fact, theek hai. So this is about UPI based apps. Rest we will do tomorrow.